हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड जो है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जो हाइड्रोजन परोक्साइड से निसेंट ऑक्सीजन निकलती है वो नॉर्मली कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस बना देती है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड एक कमर्शियली यूज का आपका कंपाउंड है जिसमें हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन के टर्म्स को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रूप में मेजर करते हैं। सो नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन परोक्साइड सॉल्यूशन जो है आपका ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और ये आपका एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज होता है। इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं और ये मार्केट में आपका पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है। तो हाइड्रोजन परोक्साइड जो आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है इस तरीके से, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो सब्सटेंसेस के ऑक्सीडाइज करने के काम आती है। ये आपका KNO4 के साथ भी टाइट्रेशन करता है और आपका जो है KI सॉल्यूशन के साथ भी जो है आयोडीमेट्री में यूज हो सकता है। तो ये जो है आपकी KNO4 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप इस इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आपका KNO4 और H2SO4 5 मॉलिक्यूल्स देता है ऑक्सीजन के, तो नेट रिजल्टेंट आएगा। ऐसे ही ये जो है KI के साथ H2O2 ये आपका QOH प्लस I2 बनाता है, ठीक है। तो दिस वन और इस I2 का हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करा लेते हैं प्लस ट्वाइस NaI, ठीक है। इस तरीके से भी आप हाइड्रोजन परोक्साइड्स की बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं। तो हाइड्रोजन परोक्साइड्स जो है आपका इस पर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को लेबल करते हैं कि ये आपका मान लीजिए 30 वॉल्यूम का हाइड्रोजन परोक्साइड है या 50 वॉल्यूम का या आपका ये 20 वॉल्यूम इस हाइड्रोजन परोक्साइड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस चीज का फंडामेंटली मीनिंग क्या होता है ये हमारे को डिस्कस करना है। उसके बाद जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हमारे को नॉर्मेलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन में हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा लेते हैं या परसेंटेज में कन्वर्ट करा लेते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस का भी हमें डिस्कशन करना है। और इसमें जो है वही चीजें इंपॉर्टेंट बैठती है और इसकी टाइट्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो टाइट्रेशन के भी जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मतलब हाइड्रोजन परोक्साइड पूरे जैसे आपके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिनको हम नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह में डिस्कस करेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन परोक्साइड के डीकम्पोजिशन की रिएक्शन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लीजिए हमने इसकी 30 वॉल्यूम है, तो इसका मतलब यह है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड ये आपका एक्वस स्टेट में होता है, वाटर भी होगा इसमें, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में और ये गैस। तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पर आपका 30 ml देता है। एसटीपी यहां पर हमने मान लिया 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो आपका जो 1 लीटर हाइड्रोजन परोक्साइड है इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 gives 30 volume of oxygen or to add STP। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि भाई 1 ml of H2O2 gives 30 ml of
O2 है तो ये सब चीजें हम इसमें आपकी मान सकते हैं। तो कोई भी आप ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो जैसे आपका ये 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन है इसको आप ये मान लेते हैं कि भाई 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का यदि हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं एट एसटीपी पर है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके 30 / 22.4। ठीक है, ये आपके मोल्स हो जाएंगे। यहां पर 2 मोल्स से यहां पर इसका 1 मोल। ठीक, तो नॉर्मली क्या है बच्चों को ये लगता है कि भाई इसके लीटर से इसके 30 लीटर कैसे बन जाएंगे, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि भाई ये एक आपका लिक्विड है और ये गैस है। 1 ml वाटर यदि आपका वेपराइज हो जाए तो 1870 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता, तो यहां तो इसका सिर्फ ओनली 30 है। ठीक है, तो गैस के लिए स्पेस काफी होती है। तो यहां पर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2 × 30/22.4। और ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के 1 लीटर में, तो यानी ये क्या हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 × 30/22.4। तो इसमें आपका फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू आपका ये कट गया 11.2 30/11.2, जिसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार। यदि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, मोलैरिटी पूछी हो, 11.2 की डिवाइड कर दीजिए। यदि आपको जो है मोलैरिटी रखी हो और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी हो 11.2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सीधा आ जाएगा। उसके बाद जो है आप मोलैरिटी को मान लीजिए आप मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या जो है आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप बेसिक जो लेक्चर कंसेंट्रेशन का मोल कंसेप्ट में पढ़ाया हमने, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी उसको देख लीजिएगा, उसमें जो आपके बेसिक लॉजिक है उनको ध्यान में रखते हुए इनको आगे आप मोलैरिटी को में मोलैरिटी में परसेंटेज में मोल फ्रैक्शन में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉर्मैलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, पहला तो ये है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास तो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या हो जाएगा 34। सो इक्विवेलेंट मास आपका जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ सब्सटेंस विच गिव्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास यहां पर जैसे आपका 34 ग्राम जो है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूस 16 ग्राम। सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय H2O2 इज इक्वल टू 34 ग्राम। सो 1 ग्राम 34/16 एंड 8 ग्राम दैट इज इक्वल टू 34/16 × 8 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 70। तो इन रिएक्शन में H2O2 का इक्वल मास आपका 17 होता है, और आप जानते हैं रिलेशन की नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास
अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एन फैक्टर. सो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू कितना है आपका 34 डिवाइड बाय 17 दैट इज इक्वल टू 2. तो इसका जो एन फैक्टर है वो 2 हो जाएगा. ठीक है, तो आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू मोलरिटी. ठीक है, तो यहां पर आपने 2 की और मल्टीप्लाई करी तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी. और यहां पर आपने इसको फैक्टर को लेना आपका 2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2. तो ये कितना आया आपका, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2. ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया. तो इससे हम लोग जो है भी क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे उनमें इन सबको अप्लाई करेंगे. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड टू लिबरेट 500 ml ऑफ ऑर्डर एट STP कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के कितने ml आपको रिक्वायर्ड है 500 ml ऑक्सीजन बनाने के लिए एट NTP इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज 10 वॉल्यूम. ठीक है, सो 10 वॉल्यूम मीन्स 1 ml gives 10 ml of oxygen. So if it is contain 500 ml, so it will 1 by 10 into 500, that is equals to 50 ml answer. So आपका answer 50 ml. ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 वॉल्यूम. तो इसकी नॉर्मेलिटी एंड 1.5% वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है. बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट और नन ऑफ दी करेक्ट. तो हमारे को मतलब इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मेलिटी में बदल के देखना है और आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास में भी कन्वर्ट करना है. ठीक है, यदि दोनों करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि एक करेक्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और दोनों गलत हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये करते हुए हमारे को सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई मोलरिटी जान दिया, हम रिलेशन इज इक्वल टू एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2. आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6. सो आप 5.6 रखते हैं डिवाइड बाय 5.6, देन सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 एन आ जाती है. और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, मोलरिटी इज इक्वल टू आपका 5.6 डिवाइड बाय 11.2 यानी 1/2 होगा. ठीक है, मोलरिटी को अब हमने आपका किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज बाय मास में. तो मोलरिटी को ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, कि आप इसमें मॉलिक्यूलर मास की मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना, तो 1/2 इंटू आपका कितना होगा 34 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर लीटर. इसका मतलब क्या है, 17 ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना, ठीक है. और हमारे को क्या लेना है, वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व है. तो 1000 में इतना है तो 100 में कितना होगा, 100 ml में, तो 17 डिवाइडेड बाय
1000 इंटू आपका 100 दैट इज इक्वल टू 1.7 आ जाएगा. तो आपके ए और बी दोनों ही ऑप्शन है, तो यानी बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, ठीक है, जिसमें आपके चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है 4.8, सेकंड ऑप्शन है 8.4 और थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8. ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन को में आप जानते हैं कि सीधा फार्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6. तो नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 1.5, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है. डिवाइडेड बाय 5.6 दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर 8.4 आ जाएगा. ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से चीजें पता हो. तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं, बशर्ते आपको चीजें याद हो और आपने तरीके से डिराइव कर रखी. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 cm³ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड लिबरेट्स 0.50 ग्राम ऑफ आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड एट STP. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसमें हमारी रिएक्शन क्या होगी कि आपका H2O2 दैट रिएक्ट विद QOH गिव्स KI ट्वाइस KI गिव्स QOH प्लस I2. ये QOH जो है आपका फेस टू सो फोर से रिएक्शन कर लेगा, आपका K2SO4 प्लस H2O बना देगा. ठीक है, तो इसकी जो नेट रिएक्शन बनेगी आपकी वो ये बनेगी H2O2 प्लस ट्वाइस KI प्लस H2SO4 चेंजेस टू आपका K2SO4 प्लस I2 प्लस H2. ठीक है, अब जो आपके पास है इसके कितने 5 cm³ और आयोडीन कितने 0.508 ग्राम. H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 34 ग्राम और आपका जो 0.50 आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा आपका 2 × 127 इजिकल्स टू 254. ठीक है, दोनों के एक मोल से एक मोल बन रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कितने जाएंगे डिवाइडेड बाय 254. यही आपके नंबर ऑफ मोल्स किसने किसके होंगे आपके H2O2 के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 दैट इज इक्वल टू आपका 0.508 डिवाइडेड बाय 254. ठीक है, और आप जानते हैं कि भाई आपके जो H2O2 है वो ये रिएक्शन देता है H2O2 प्लस H2O2, यानी इसका एक मोल आपके या इसके इसका एक मोल कितने देता 22.4 या 22400 कर लो डिवाइड बाय 2 ml एट STP. ठीक है, तो इतने मोल्स आपके कितनी देंगे 0.50258. और ये ऑक्सीजन जो है आपको कितने ml से मिल रही है 5 ml से, तो 1 ml कितना देगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम 5 ml. तो 1 ml ऑफ H2O2 प्रोड्यूस ऑक्सीजन
इक्वल्स टू 0.508 डिवाइडेड बाय 254 इनटू 22400 डिवाइड बाय 2 इनटू 1.5। ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है कि 1 ml ऑफ जो H2O2 है वो कितने ml आपकी ऑक्सीजन देता है। तो ये आपकी कैलकुलेट करके आएगी 4.48, ठीक है, ml। तो ये आपकी इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, देयर आर थ्री सैंपल्स ऑफ H2O2 लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम एंड 20 वॉल्यूम एंड हाफ लीटर ऑफ दी ईच सैंपल आर मिक्स्ड एंड देन डाइल्यूटेड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, सो आपने 10 वॉल्यूम और आपका 15 वॉल्यूम एंड 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड के तीन सॉल्यूशंस के हाफ हाफ लीटर ऐड। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम फाइनल बन गया उसको आपने उतना ही डाइल्यूट भी करा, यानी हाफ लीटर मतलब 1.5 लीटर में आपने 1.5 लीटर में 1.5 लीटर वाटर ऐड किया। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आपका कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और आप इन सबको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर ही सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है, तो आपको इन सबकी नॉर्मेलिटी पता चल गई और आप ये जानते हैं कि N1, V1 इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो एडिटिव होंगे। N2 V2 प्लस N3 V3 इज इक्वल टू NR N फाइनल एंड V फाइनल। ठीक है, तो आपका जो N1 है वो कितना है, 10 डिवाइड बाय 5.6 इंटू 1/2, और आपका N2 कितना है, 20 रख लो डिवाइड बाय 5.6 इंटू 1/2 प्लस 15 डिवाइड बाय 5.6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू N फाइनल हमारे निकालना है और B फाइनल कितना, 3 है। ठीक है, तो इससे आपका N फाइनल आ जाएगा, N फाइनल आपका आएगा 1.339। अब इसको आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले का फिर से यूज करें, तो नॉर्मेलिटी में जो है आप 5.6 का मल्टीप्लाई करते 1.339 इंटू आपका 5.6, तो ये आपका आ जाएगा 7.5। तो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी ये होगी, तो दिस इज द आंसर।